फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ स्टोरी शेयर करूंगी नियंडरथल्स की। अच्छा, अगर आप सोचते हो कि नियंडरथल्स कौन थे, तो मैं आपको बता देती हूँ, ये अर्ली ह्यूमन बींग्स थे। असल में ह्यूमन बींग्स इनके भी स्पीशीज थे, जैसे होमो इरेक्टस, आपने नेम सुना होगा मे बी, और नियंडरथल्स, और फिर अभी हम होमो सेपियंस इस प्लैनेट अर्थ पर है। हमारे डीएनए में कुछ पार्ट नियंडरथल्स की है। अच्छा, ये लोग इस प्लैनेट अर्थ पर तकरीबन 300,000 ईयर्स तक रहे हैं, और ये यूरेशियन प्लेट पर रहते थे। यूरेशियन प्लेट ये मुश्तमिल है किस पर? कॉन्टिनेंट यूरोप और कुछ पार्ट्स एशिया के और रशिया, मतलब ये प्लेट इन सारे रीजन से गुजरा है। तो यहाँ पर ये रहते थे, और एटलांटिक ओशन था यहाँ पर। तो ये मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ ना कि ये कहाँ पर रहते थे, और ये रहते थे आइस एज में, जहाँ टेम्परेचर -20 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता था। तो फिर इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ज़बरदस्त खुद को अडेप्ट किया था अपने उस इकोसिस्टम के मुताबिक। किस तरह से? तो इनके नोजेस जो थे वो बड़े थे, टॉल थे। किस लिए? क्योंकि मैंने आपको बताया कि -20 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर होता था, तो और एयर ड्राई थी, कोल्ड थी, तो लिहाजा जब ये एयर को इनहेल करते थे तो इनको ज़्यादा टाइम मिलता था, मतलब एयर वो वार्म हो जाती थी और मॉइस्ट हो जाती थी, और फिर वो लंग्स तक जाती थी। तो लंग्स इनके बड़े थे, ब्रॉड थे, क्योंकि ये आइस एज उस टाइम में रहते थे, तो लिहाजा इनको ज़रा एनर्जी की ज़रूरत थी, तो इस वजह से इनके लंग्स जो थे वो ब्रॉड थे, बड़े थे। अच्छा, फिर फ्रेंड्स, ये केव ड्वेलर्स थे, केव्स में रहते थे, कोई बिल्डिंग्स इन्होंने नहीं बनाए, केव्स ही थे जहाँ पर ये रहते थे, और इसके अलावा ये हंटिंग करते थे। किन एनिमल्स की हंटिंग करते थे? तो वो बाइसन्स थे, वूली राइनोस थे, मैमथ्स थे, तो उनकी हंटिंग करते थे। और इनके अलग अलग वो जगह थी, मतलब बुचरी इनकी एक जगह पर होती थी, मीट ये दूसरी जगह पर ले जाते थे, और इसके अलावा लैंग्वेज, तो इनकी लैंग्वेज भी थी ये, लेकिन इनकी क्या लैंग्वेज थी, ये क्या बोलते थे वो तो नहीं मालूम, लेकिन लैंग्वेज ये यूज़ करते थे, मतलब कम्युनिकेट करते थे लैंग्वेज के ज़रिए, वर्ड्स के ज़रिए। और ये मोस्टली, अगर आप पूरा कॉन्टिनेंट यूरोप लो ना, तो तकरीबन 10,000 तक इतनी इनकी पॉपुलेशन थी, वो भी स्कैटर्ड थी, क्योंकि इनके एक ग्रुप में 20-30 पीपल वो होते थे। अच्छा, फिर ये आपस में मेटिंग करते थे, मतलब एक ही ग्रुप के जो मेल और फीमेल्स होते थे, फिर उनमें कुछ एब्नॉर्मलिटी पैदा हो गई, मतलब इनके बच्चों में, तो इस उस चीज़ को कवर करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए, इन अदर वर्ड्स, तो ये फिर क्या करते थे, ये जो इनके दूसरे ग्रुप्स थे तो उनमें एक्सचेंज करते थे फीमेल्स का, ताकि इस एबनॉर्मेलिटी को ख़त्म करें। अच्छा, इसके अलावा इन्होंने, आपको मैंने बताया ना कि इन्होंने कोई कंस्ट्रक्शन नहीं की है, कोई बिल्डिंग्स नहीं बनाए थे, ये तो केव ड्वेलर्स थे, लेकिन केव्स में उन्होंने कुछ स्ट्रक्चर्स बनाए हैं, जो इस तरह लग रहा है कि जैसे इनमें आर्टिस्ट भी थे, ये आर्ट के शौकीन थे। और फ्रेंड्स, फर्स्ट ह्यूमन हैशटैग वो इनके केव से ही मिला है। फिर ये ख़त्म कैसे हुए? तो फ्रेंड्स, जब होमो सेपियंस आए, मतलब जो हम मॉडर्न ह्यूमंस थे, तो जब ये आए तो इनकी वजह से नियंडरथल्स वो ख़त्म हो गए। एक तो इनमें इंटरब्रीडिंग हुई, तो उससे, और इनको बिल्कुल क्लियर नहीं पता है कि मतलब और क्या हुआ, होमो सेपियंस ने क्या किया,
लेकिन सिर्फ यही बता रहे हैं कि इनकी इंटरब्रीडिंग हुई, मतलब आपस में, तो स्लोली एंड ग्रेजुअली नियंडरटाल्स ख़त्म हो गए। तो मेरे ख्याल में ये बोल रहे हैं कि 74,000 years अगो कुछ इस तरह से ये नस्ल ये ख़त्म हो गई।